हेलो फ्रेंड्स, मैं सर कुलदीप। आज मैं आपको हाइड्रोलिक जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल है उसके बारे में बताऊंगा। जो बेसिक डायलॉग हाइड्रोलिक जो डीसी वाल है और न्यूमेटिक, उसको कैसे हम पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे। तो जैसे कि आप सिंबल देख रहे थे, हमने लिखा हुआ है 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल। दैट मीन्स व्हाट इज़ 4x3? 4x3 क्या है? 4x3 फोर पॉट है, 3 उसका पोजीशन है। आप देख सकते हैं ये एक पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन, तीन पोजीशन है उसका। तीन जो रेक्टेंगल में अलग अलग, एक स्क्वायर में एक रेक्टेंगल के अंदर तीन स्क्वायर अलग अलग, उसमें तीन पोजीशन है। और आप देख सकते हैं पॉट 4 है, तो वो 4x3, 4 पॉट 3 पोजीशन, 4x3 डायरेक्शन कंट्रोल वाल हो गया। ये उसकी नंबर ऑफ पॉट की वजह से एक कैटेगरी में डिपेंड होता है। सपोज फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं 5x2 वाल लेता हूँ। न्यूमेटिक में 5x3 वाल होते हैं जैसे कि, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इन पॉट अलग होता है, इन पॉट अलग होता है, और उसके बाद जैसे ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं दोनों, और ए और बी जैसे एज इट इज़ रहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये वाल कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंबल दे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल। अगर ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड सोलेनोइड वाल है, ठीक है। ये कॉइल ए हो गई और ये बी कॉइल हो गया, तो दोनों साइड कॉइल ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकल सोलेनोइड वाल। स्प्रिंग सेंटर्ड, ये स्प्रिंग सेंटर्ड दिया हुआ है, ये जो अगर यहाँ ऐसा सिंबल दिया हुआ है दैट मीन्स स्प्रिंग सेंटर। जो जब ये दोनों कॉइल ऑपरेट नहीं होगी तब ये जो सेंटर में ही रहेगा, ऑलवेज ये पोजीशन पे रहेगा, मतलब पी और टी और ए और बी की ये कंडीशन रहेगी, ओके। अगर ये हाइड्रोलिक, अगर ये सिंबल दिया होती जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, दैट मीन्स हाइड्रोलिक पायलट विथ इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक पायलट विथ इलेक्ट्रिकल दिया हुआ है, इंटरनल पायलट रहता है उसमें। अगर ये सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है दैट मीन्स मैनुअल ऑपरेटेड वाल, अगर ये सिंबल है तो फुट ऑपरेटेड वाल। तो ये सब हो गया कि जब हम वाल को ए साइड का कॉइल एक्चुएट होती है तो क्या होता है, ए साइड की कॉइल एक्चुएट होती है दैट मीन्स ये पी लाइन बी से कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ए लाइन टैंक से कनेक्ट हो गया। और जब बी कॉइल ऑपरेट होती है तब ये पोजीशन, मतलब पी लाइन ए से कनेक्टेड हो जाती है और टी लाइन बी से कनेक्टेड हो जाती है। दैट मीन्स कि जब हमको जो सीक्वेंस चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सिलेंडर को हम ए और बी पॉइंट में ऑयल भेजते हैं और ऑयल की डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व नाम दिया गया। और इसका बेसिक यही है कि देख लीजिए आप कि जैसे पी, ऑलवेज देखिए पी विल रिमेन सेम। यहाँ से जब ए पोजीशन हो गया था ऐसे कंडीशन है, जब मैं बी पॉइंट हो जाता तो ये ऐसे हो जाता, दैट मीन यहाँ से यहाँ चेंज होती है डायरेक्शन। उसमें क्या होगा, और टी में जब एरो कैसे है, टी में देखिए टैंक वाला एरो हमेशा बाहर ही निकलता होगा, टैंक में ऑलवेज टैंक की साइड ही एरो रहेगा। तो ये देखिए ये एरो विल रिमेन इन टैंक साइड ओनली, और ये प्रेशर में टेल साइड, प्रेशर लाइन में टेल साइड कॉमन रहेगा और एरो चेंज होता रहेगा। ये देखिएगा, ये यहाँ सब लोगों को कन्फ्यूज होता है, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको। बाकी ये बेसिक हाइड्रोलिक सिंबल है। अगर आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट में लिखिए, जो भी करिए मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू सो मच।